हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, एक बार मैं फिर से हूँ आपके लिए एडम्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में। और इस शोरूम में दोस्तों एक स्कूटर रह गया था जिसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया था, वो है लीजेंड, जो मेरे ठीक पीछे खड़ा है। और आज आप इस स्कूटर का एक डिटेल रिव्यू वीडियो देखने वाले हो। साथ ही इस स्कूटर में जो आपको बैटरी और मोटर मिलता है, इसमें कंपनी की तरफ से आपको क्या गारंटी या वारंटी दिया जाता है, इसकी जानकारी मिल पाएगी। और इस वीडियो के अंत में आप देख पाओगे इस स्कूटर का एक छोटा सा राइड रिव्यू। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप सबसे एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे एडम्स ई बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजेंड मॉडल। और इस स्कूटर में दोस्तों आपको 45 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड और साथ ही इसमें 80 से 120 किलोमीटर का आपको रेंज भी मिलता है। इस स्कूटर का सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस स्कूटर का सीट हाइट को बहुत ही कम रखा गया है। अगर आपका हाइट 5 फीट से भी कम है या फिर आप अपने घर के फीमेल पर्सन के लिए कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूटर बहुत ही खास रहने वाला है। तो आइए इसके सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसके हेडलैम्प में आपको राउंड शेप में फुली एलईडी हेडलैम्प मिलता है। और इसके फ्रंट पैनल पे आप देखें तो यहाँ पे ग्राफिक में आपको एडम्स और लीजेंड लिखा हुआ नजर आएगा। और फ्रंट पैनल में ही आपको इंटीग्रेटेड एलईडी पोजीशन लाइट के साथ टर्न सिग्नल लैंप में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। साथ ही स्कूटर के फ्रंट मडगार्ड के ऊपर आपको क्रोम एलिमेंट लगा हुआ नजर आएगा। स्कूटर के फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला 10 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। साथ ही इस अलॉय व्हील में आपको 90x100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर के साथ इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। साथ ही स्कूटर के रियर साइड पैनल पे आपको ग्राफिक के ऊपर लीजेंड लिखा हुआ नजर आएगा। और इस स्कूटर के टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप दोनों में आपको नॉर्मल बल्ब लगा हुआ मिलता है। काफी वाइड एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है और इसका सीट हाइट काफी कम रखा गया है। अगर आपका हाइट 5 फीट से कम है तब भी आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। सीट के ठीक नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है जिसमें आप अपने जरूरत का सामान रख सकते हैं। और इस प्लेट को हटाएं तो आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी नजर आएगा। इसमें आपको 60 वोल्ट 36 एच का लिथियम आयन बैटरी मिलता है जिससे आपको इस स्कूटर में 80 से 120 किलोमीटर का रेंज मिल पाता है। और बैटरी में आपको कंपनी की तरफ से 18 मंथ का गारंटी प्लस 18 मंथ का वारंटी मिलता है। और इस स्कूटर का बैटरी का एक खास बात यह भी है कि आप इस बैटरी को स्कूटर से बाहर निकाल के अपने फ्लैट में भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इस स्कूटर के साथ 71.40 वोल्ट का 6 एम्पीयर का आउटपुट चार्जिंग देने वाला चार्जर मिलता है जिससे आप इस स्कूटर के बैटरी को करीब 4 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। साथ ही चार्जर में आपको कंपनी की तरफ से 1 साल का गारंटी मिलता है। स्कूटर के रियर सस्पेंशन में आपको बाइक टाइप ट्विन स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है जिसके साथ रियर में आपको 10 इंच का 1000 वाट का नॉमिनल एंड 2000 वाट का पीक पावर BLDC मोटर मिलता है जिससे आपको इस स्कूटर में 45 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल पाता है। और मोटर में आपको कंपनी की तरफ से 18 मंथ का गारंटी प्लस 18 मंथ का वारंटी मिलता है। और स्कूटर के रियर ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और अब हम इस स्कूटर के कंसोल और हैंडल बार में मिलने वाले स्विचेस के बारे में जानते हैं। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर हॉर्न हाई बीम लो बीम स्विच हजार्ड स्विच और रिवर्स बटन मिलता है। साथ ही स्कूटर के डिस्प्ले में आपको फुली डिजिटल कंसोल मिलता है जिसमें आप सेंटर में किलोमीटर पर आवर, नीचे ऑडोमीटर, लेफ्ट साइड में बैटरी इंडिकेटर के साथ ऊपर में आप गियर इंडिकेटर देख पाएंगे। और इसी के साथ इस स्कूटर में और काफी सारे और भी इंडिकेटर्स आप देख पाएंगे। और राइट साइड के हैंडल बार में हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच, मोड बटन और पार्किंग स्विच आपको मिलता है। इस स्कूटर के इनर बॉडी पैनल पे आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसे आप लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही आपको स्कूटर में कैरी बैक हुक के साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसमें आप अपने फोन को कनेक्ट करके बस की को ऑन करेंगे तो ये आपके फोन को चार्ज करना चालू कर देता है। और आपके सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में साइड स्टैंड सेंसर लगा है जैसे कि स्कूटर में साइड स्टैंड लगे रहने से आप इस स्कूटर को राइड नहीं कर पाएंगे। और स्कूटर की सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में आपको स्मार्ट लॉक सिस्टम भी मिलता है। आपको इसमें क्लासिक लुक क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर मिलता है और काफी यूनिक डिजाइन का पिलियन फुटरेस्ट मिलता है जिसे प्रेस करने से पिलियन फुटरेस्ट बाहर आ जाता है और वापस से इसे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। स्कूटर में जितने भी फीचर्स मिलते थे दोस्तों उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। और आइए अब हम लोग चलते हैं इस स्कूटर को लेके टेस्ट राइड पे। अभी स्कूटर मोड 1 में है और आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि इसमें आपको 25 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है। मोड 2 में आपको इस स्कूटर में 35 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है। और मोड 3 में आपको इस स्कूटर में 45 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। साथ ही आपको एक चीज जो बताना चाहूंगा कि इस स्कूटर में जो आपको 1000 वाट का नॉमिनल और 2000 वाट का पीक पावर BLDC मोटर मिलता है इससे आपको इस स्कूटर में काफी अच्छा इंस्टेंट पिकअप भी मिलता है। स्कूटर को राइड करते समय मुझे इस स्कूटर का सीटिंग पोस्चर काफी अच्छा लगा। साथ ही आपको इस स्कूटर में काफी वाइड एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। और सस्पेंशन की बात करें तो ये सिटी के लिहाज से काफी बेहतर है। अगर सड़कें खराब होगी तो आपको स्कूटर में काफी झटका भी महसूस हो सकता है।
और इस स्कूटर के ब्रेक की बात करें तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। और वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपका हाइट 5 फीट या इससे भी कम है तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। अगर आप अपने एक फैमिली के लिए या फिर घर के फीमेल पर्सन के लिए कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो लीजेंड आपके लिए ये मॉडल काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस स्कूटर को राइड करने के लिए दोस्तों आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, साथ ही इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप जमशेदपुर या इसके आसपास है और इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेज करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आपको एडम्स ई बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में आना चाहिए। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस स्कूटर का हमारे जमशेदपुर का प्राइस है 95,000 रुपीज। और इस वीडियो में दोस्तों इस स्कूटर में जितने भी खास फीचर्स थे इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मेरे इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुँच सकें।